रात सड़कों पर भीड़ का हुजूम, चारों तरफ भीड़ के नारों की गूंज। जिस गाड़ी के साथ साथ ये भीड़ कदम ताल कर आगे बढ़ रही है, उस गाड़ी में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव। और सवाल उठता है कि आकर लखनऊ की इन सड़कों पर आधी रात को शिवपाल यादव को उतरना क्यों पड़ा। समर्थकों की भीड़ के साथ शिवपाल यादव को गौतमपल्ली थाने में हाजिरी क्यों लगानी पड़ी। वेरे खुलासा होगा और बातों का सबका खुलासा होगा जल्दी। देर रात हंगामे के बीच शिवपाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को शांत कराकर घर भेजा। रात के अंधेरे में चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के केंद्र में ये शख्स है जिसका नाम है अंकुश शर्मा। अंकुश शर्मा की पहचान शिवपाल यादव के निजी सचिव की है और कल जब यूपी पुलिस ने लखनऊ में अंकुश शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया तो शिवपाल यादव ने अंकुश के बहाने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए और यूपी पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस इसी तरीके से जैसे कल अंकुश शर्मा की गाड़ी में असला रख करके झूठे केस में फंसाना चाहती है, इसी तरीके से जाने कितने निर्दोष लोगों को पुलिस जेल भेज और कहां जहां गौतमपल्ली में पूरा पुलिस से लेकर बड़े बड़े अधिकारी से लेकर के यहां मौजूद और इस तरीके से निर्दोष लोगों अगर जेलों में भेजा जाए तो अब तो जांच का विषय है। अब तो जांच कराएं। शिवपाल यादव ने अपने निजी सचिव अंकुश शर्मा को फंसाने का आरोप लगाया जबकि यूपी पुलिस संदिग्धता के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। आज दिनांक 27/7/2023 को थाना गौतमपल्ली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिनका नाम अंकुश शर्मा है जो कि अपने चार पहिया वाहन से जा रहे थे उन्हें संदिग्धता के आधार पर रोका गया था जिसके उपरांत उनको थाने पर तथ्यों की जांच के लिए लाया गया। जांच उपरांत उन्हें थाने से रवाना किया गया। इस संबंध में संपूर्ण जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उन पर निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि अगर शिवपाल यादव रात को ही थाने पर नहीं पहुंचते तो क्या पुलिस यही बात कहती जो अब कह रही है। फिलहाल तो इस घटना ने लखनऊ पुलिस की कार्यशैली को सवालों के घेरे में ला दिया है। एक तरफ बीजेपी यूपी में कानून व्यवस्था को मॉडल के रूप में पेश करती है और दूसरी तरफ शिवपाल यादव कानून व्यवस्था के नाम पर ही योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।